हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 12th ऑफ जून 2020, लेक्चर नंबर 35। तो लेक्चर 35 शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 34 में थोड़ा सा गलती हो गया, उसको फटाफट जैसे सुधार दो। लेक्चर 34 में 14 मिनट 15 सेकंड के रेंज में जहां पर हम लोग इंसुलेटिंग स्फीयर का इनसाइड पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेकिन इंसुलेटिंग वाले का थर्ड केस जो कर रहे थे एट आर लेस देन आर, उसमें ई बराबर आर सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट या 3 एप्सिलॉन होता है, यही गलती से आर सिग्मा बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। थोड़ी सी गलती हो गई थी, कुछ बच्चों ने पॉइंट करके बताया थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग सुधार लेंगे। 14 मिनट 15 सेकंड लेक्चर 34 में आर लेस देन आर वाले केस में ई की वैल्यू आर सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, गलती से आर सिग्मा बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया था, बट और कुछ खास गलती नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, बाकी आंसर वगैरह ग्राफ वगैरह सब सही था। उसी को वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 34 में इसको थोड़ा देख लेंगे। ये पहले करवाया गया था BD माइनस BC, ये सब था माइनस आर से आर EDR, ई के जगह पर आर सिग्मा बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट होगा, गलती से आर सिग्मा बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया था, उसी को सुधार लोगे। इसके बाद कुछ नहीं था, बाकी सब सही था। माइनस बाहर, सिग्मा बाहर, 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर, आर का पावर 1 का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2, माइनस को मैनेज कर लेते हो, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2, फिर सिग्मा उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, दैट वाज क्यू बाय वॉल्यूम, दैट वाज क्यू बाय 4 बाय 3 बाय आर क्यूब था, और सी पॉइंट पर पोटेंशियल ये पिछले में करवाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर था, उन्हीं सबको हम लोग यहां पर पुट कर देते थे इस वाले पैटर्न में पुट कर देते थे। तो बीडी माइनस बीसी, तो बीडी बराबर ये बीसी उधर चले गया, ये बच गया, तो ये सिग्मा के जगह पर क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा के जगह पर फिर 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस बी सी उधर चला गया था प्लस बी सी, दिस इज के क्यू बाई आर, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ही लिख लेंगे, तो इसको के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू बाई आर आ जाता, इसमें हम लोग के क्यू बाई 2 आर कर लेते तो ये 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आंसर सही था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था। तो डी पॉइंट पर मतलब इन साइड पर आर लेस देन आर पर वी डी वाज के क्यू बाई 2 आर इंटू 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेक्चर 34 में देख लो, गलती कुछ नहीं था, बस ई की वैल्यू में गलती से यहाँ पर पाई लिखा गया था, तो पाई नहीं था, आर सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट था, वो गॉस थ्योरम का जो लोग क्लास किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रूफिंग आप लोग किए हैं इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पर, वहां पर आप प्रूफिंग देख रहे हैं आर सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आर सिग्मा बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट गलती से लिखा गया था, आंसर थोड़ा उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करके सही आ गया था, बट इसको आप लोग सुधार लेंगे, बहुत ही भारी मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लोग एकदम बेवकूफ है पढ़ने में उन्हीं लोग समझेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीचर बोल दिया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th क्लास में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबका सब वेरी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, जो लोग क्लास के थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कैलकुलेट किए थे, एक्सियल पर था, इक्विटोरियल पर था, फिर एट एनी पॉइंट पर भी था, इस बार हम लोग सीधा पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
डाइपोल का क्लास पहले सारा करवा दिया गया, वीडियो देखो पहले मिल जाएगा, वीडियो देखो पहले का वीडियो देखो, डाइपोल वगैरह के बारे में बताया जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है बट फिजिक्स में यही लेकर के चलेंगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये पॉइंट पी एट एनी पॉइंट है, ये कहीं पर भी है, ये कहीं पर भी है ना। और डाइपोल में कभी भी प्रूफिंग करते हैं तो सेंटर से दूरी लेते हैं तो ये आर दूरी है, ठीक है। और ये वाला एंगल को अगर हम लोग थीटा ले लें, है ना, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, याद होगा माइनस से प्लस, यहाँ तक कि 2a वेक्टर भी माइनस से प्लस लेते हैं। ये सब पहले का एक बार आप लोग देख लें, पहले का है, एक बार देख करके रिकॉल कर लें, बाकी अभी हम लोग इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं क्या करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस लाइन को जरा से ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, उसी तरह से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से गिरा देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, उसको सेम ही कर लेते हैं, ए बी तो हो गया, यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर डी कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है ना। ये एंगल अगर थीटा था, ये मिड पॉइंट था, तो यहाँ पर भी एंगल जो है थीटा हो जाएगा, और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से हम, और इसको भी अपन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए यहाँ तक ज्वाइन वगैरह कर लिए तो अब आगे बताओ क्या करें। ज्वाइन वगैरह कर लिए तो इन ट्राइंगल ओबीसी में, इन ट्राइंगल ओबीसी में कॉस थीटा, इस कॉस थीटा बराबर बेस पर हाइपोटेनस, बेस में है ओसी, बेस में है ओसी और हाइपोटेनस में है ये पूरा टू है, दिस इज ए, सो दिस इज ओसी बराबर ए कॉस थीटा है, और उसी तरह से इन ट्राइंगल ये ओबीसी में हुआ ना, ओबीसी में उसी तरह से ओडीए में, इन ट्राइंगल ओडीए में इसमें कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, अब बेस लेते हो तो ओडी, हाइपोटेनस में अभी भी ये पूरा टू ए था, ओ पॉइंट वहीं से लेते ही है जो मिड पॉइंट पर हो यार, पहले पढ़ाया गया, सो दिस इज ओडी आल्सो कम्स आउट टू बी ए कॉस थीटा। अब कॉमन सेंस के हिसाब से जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं डाइपोल के केस में, जनरली ये जो आर की वैल्यू है बॉस, ये ए के तुलना में, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस वाला डाइपोल है, तो आर से, आर का वैल्यू जो है वो ए से बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये जो पी ए का लेंथ है वो मोटा मोटी पी डी के बराबर आएगा, ये पी ए और ये पी डी, क्योंकि ये बहुत दूरी पर है और ये एकदम चिपका हुआ है, समझ लो ये पॉइंट चिपका हुआ है, ये पॉइंट बहुत दूरी पर है ना, तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो प्रैक्टिकली सेम आएगा, लगभग सेम, पी ए पी डी बराबर। उसी तरह से ये जो पी बी है बॉस, ये जो पी बी है और ये पी सी जो है वो प्रैक्टिकली बराबर आएगा, तो पी ए की जगह पर पी डी, पी डी को अगर आप देखें तो पी पी डी को अगर हम लोग देखते हैं, पी डी की यहां से यहां तक आर था प्लस ए कॉस थीटा हो जाता है ना, और पी डी, और अगर पी सी को देखते हो, पी सी ये पूरा आर था, ये यहां से यहां तक पूरा आर था, तो आर माइनस, ये वाला माइनस हो गया, ये पूरा आर है, ये पूरा आर है ना, ये आर में से ये ओसी माइनस हो गया, और ओसी भी जो है वो ए कॉस थीटा ही था, इसका मतलब है मिला जुला के पी ए के जगह पर हम लोग मोटा मोटी आर प्लस ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, और पी सी के जगह पर मोटा मोटी पी सी के जगह पर, पी ए के जगह पर आर प्लस ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, और पी बी के जगह पर मोटा मोटी आर माइनस ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं,
पहले यहाँ पर लिख करके रखो, फिर देखते हैं व्यू में कहाँ तक आ रहा है, उस हिसाब से प्रूफिंग करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख करके रखो, ठीक है? तो थोड़ा देखते हैं, इसी में अगर हो जाए तो वेस्ट रहेगा। तो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का न्यूमेरिकल भी आप लोग कर रहे हैं। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल इज ड्यू टू ए पॉइंट के वजह से प्लस बी पॉइंट के वजह से, और ए पॉइंट के वजह से होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। पोटेंशियल में जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, माइनस लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्बिक फोर्स के क्वेश्चन में माइनस चार्ज नहीं लिया जाता, वो मैग्नीट्यूड होता है, माइनस प्लस से डायरेक्शन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का शो करते हैं। पोटेंशियल के न्यूमेरिकल में माइनस हो प्लस हो वो लेना पड़ता है, ठीक है? तो ए पॉइंट 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय यहां से यहां तक का दूरी इज पी ए प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू, और यहां से यहां तक का दूरी इज पी बी। सो दिस इज 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट को अभी ऐसे के लिख देते हैं, ठीक है? 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट को अभी फिलहाल के लिख करके रखते हैं और लिखते हैं क्यू बाई, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं पी बी माइनस क्यू बाई पी ए। थोड़ा टफ बोलो चाहे जो बोलो, ये करना पड़ता है। पी बी, पी बी इज आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा, सो दिस इज के, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या क्या बच गया बताओ? टू क्यू आर प्लस क्यू ए कॉस थीटा माइनस टू क्यू आर भी है क्यू आर, फिर माइनस क्यू आर प्लस क्यू ए कॉस थीटा, सो दिस गेट्स कैंसिल, और ये के इंटू टू क्यू ए इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? बाकी लिखते हैं व्यू में आ रहा है कि नहीं, लिखते भी रहोगे साथ साथ, हाँ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग याद किए थे एज डाइपोल मोमेंट पी बराबर क्यू इंटू टू ए, तो क्यू टू ए को खा गए तो ये पी हो गया, दिस इज, और के बच गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ प्रूफिंग के चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं कि प्रूफिंग आएगा नहीं एग्जाम में, कि आएगा या नहीं आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रूफिंग के लिए रट्टा मार के पढ़ते हो तो ये प्रूफिंग आएगा, बाकी मेंस एडवांस और नीट वालों के लिए दो तरफा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए उन लोगों को मालूम होगा, या तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन या फिर इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से पोटेंशियल निकालो, इस तरह से अप्रोच करेंगे। वी पी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? लिखो, लिख लिया तो इसी में कुछ स्पेशल केस वगैरह का बात कर लो, ठीक है? प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, प्रूफिंग तो होते रहेगा, प्रूफिंग तो थोड़ा इसमें मिटा दिया जाए। अच्छा, जो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लास किए थे, डाइपोल के डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो किया जाता था, एक्सियल पर सेम डायरेक्शन पर आता था, इक्वेटोरियल पर डाइपोल का अपोजिट डायरेक्शन पर आता था, बट ये तो स्केलर है, इसका डायरेक्शन वगैरह से थोड़ी मतलब है, बस फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। अब इसी में जनरली जो कि डाइपोल के केस में करते थे, फॉर शॉर्ट डाइपोल जनरली फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये जो भैया आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी होती है,
तो हम लोग ये जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड विथ आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसी पे एट एक्सियल पॉइंट पर सब नोट बना करके, एट एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट मतलब इसी डायपोल की सीधाई पर इस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और उस हिसाब से दिस इज कॉस 0 इज 1, सो दिस इज पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर हो जाएगा एक्सियल पर, ठीक है। इसके बाद एट इक्विटोरियल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये जो वीपी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो ये भाई वीपी नहीं मतलब वी एक्सियल का हो गया, ये वी इक्विटोरियल का हो गया, और वी एट एनी पॉइंट का हो गया, किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का ये है, एक्सियल का ये है, इक्विटोरियल का ये है, ठीक है, नोट कर लो। ये थीटा बराबर यहां पर 0 है मतलब अलोंग पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसी में अलोंग अगर नेगेटिव चार्ज एक्सियल पर ही, अलोंग नेगेटिव चार्ज एक्सियल पर ही, एक्सियल पर ही अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ चलते हैं तो ये थीटा 180 डिग्री आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 आ जाएगी, और वी एक्सियल का वैल्यू हुई -p बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो निगेटिव चार्ज की तरफ एक्सियल का फॉर्मूला अलग है और पॉजिटिव चार्ज वाला एक्सियल का फॉर्मूला अलग है, इक्विटोरियल पर 0 है, एट एनी पॉइंट पर 1/4πε0 cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और शॉर्ट डाइपोल के लिए एट एनी पॉइंट 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, इतना जल्दी हो सके इसको नोट करके संभाल संभाल करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यही तक रहेगा बच्चों आज का क्लास, यही तक रहेगा आज का क्लास, यही तक रहेगा, कल भी हम लोग ट्राई करेंगे कि फिजिक्स का एक वीडियो लेकर के आया जाए, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन सप्ताह पीछे चल रहा है, आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है, आप तो पढ़ रहे हैं, आप क्लोज फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं ठीक से, आपका सिलेबस जो है वो आगे बढ़ रहा है, बस इसको मेक श्योर करना कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे वाला ना भूल जाओ, क्योंकि जब ऑफलाइन खुले तब ऑफलाइन खुले, बट अभी ऑफलाइन खुलने से पहले ऑनलाइन में जितना आपका सिलेबस है उसको आप लोग कंप्लीट करते रहें। जो लोग नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं अभी 2-4 दिन पहले, जो लोग नए बच्चे आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग ट्राई करें कि मेरे साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहें, फोन पर कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए रहें, तभी आपको अलग से असाइनमेंट, अलग से जो होमवर्क वगैरह है वो दिया जाएगा, या फिर आप जो होमवर्क करेंगे वो चेक किया जाएगा। अगर आपसे वीडियो देख रहे हो और मेरे साथ पर्सनली टच में नहीं है तो सिर्फ आप वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं, बट आप जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट आपको मिलता है, जो आप बना करके चेक करवाते हैं, या फिर जो सही गलत हुआ, या फिर आपका जो डाउट है वो क्वेश्चन में बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए जो नए बच्चे जुड़े उन लोग मेरे साथ जितना जल्दी हो सके पर्सनली जुड़ जाएं, ठीक है। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं फर्स्ट मंथ का, अभी तक पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट मंथ का अभी तक एडमिशन फी वाला पेमेंट नहीं किया, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी मीडियम पर जितना जल्दी हो सके पेमेंट करके एडमिशन ले लें, बहुत तेजी से क्लास हमारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यहीं तक रहेगा, जल्दी से नोट कर लो। वीडियो नंबर 34 में थोड़ा सा गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी, पिन भी किया हुआ कमेंट आप लोग उसको देख लेंगे, थैंक यू।